ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर बहुत बार आ रहा है, एग्री अनडिसाइडेड और डिसएग्री के आपका न्यूमेरिकल दे रहा है। एज इट इज मैंने यहाँ पर देखा हूँ, मैं इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लू। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं एज इट इज जो आपका ऊपर था सेम हमने, इसे हम क्या कहते हैं आपकी, इसे हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू के, ऑब्जर्व वैल्यू के ना, इसे आप ऑब्जर्व वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर ऑब्जर्व टेबल भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा सेम है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक चीज इसके साथ ऐड कर दिया, हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल, यानी कि हमें क्या कर लेना है इनका टोटल कर लेना है। तो 10 और 10 20, 15 प्लस 5 20, 5 और 15 इज ऑल्सो, तो ये तो हो गया आपका क्या वर्टिकल टोटल। अब हॉरिजॉन्टल टोटल की देख लेते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 5 यानी कि 30, 10 प्लस 5 15 प्लस 15 30, अगर मैं देखता हूँ 30 और 30 60 हो जाएगा, और 20 प्लस 20 प्लस 20 ये नीचे कितना है 60 हो जाएगा, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल दोनों इक्वल आने चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका आंसर। और इसे हम क्या कहते हैं आपका, इसे हम कहते हैं आपका ग्रैंड टोटल, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, राइट, इसे कहते हैं हम ऑब्जर्व वैल्यू। नेक्स्ट हमें निकालना होता है, नेक्स्ट हमें निकालनी पड़ती है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। तो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सपोज करिए मैं इसको मान लेता हूँ ई1। अब ई1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे को निकालनी है, कैसे निकालेंगे, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10, लेकिन 10 देखिए दो बार आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए जिस तरीके से भी आप नोटेशन करें उसको आपको ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10, तो आपको करना क्या है, इसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 20, डिवाइड कर दीजिए कितने से, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। तो आप देखोगे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 30 × 600 / 6 1000 हॉरिजॉन्टल टोटल देखना है और उसका वर्टिकल टोटल देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल से करना है। तो इस तरीके से हम सब क्या कर लेंगे, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, मैं इन सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू नीचे नोट आउट कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भी आपकी 10 आई थी, यहाँ पर भी आपकी 10 आई थी, 10 10 10 10। इस टेबल को हम क्या कहते हैं, इस टेबल को हम कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल आप इसकी लिख सकते हैं, बहुत हल्का सेम। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें प्राइस, प्राइस क्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्या होता है प्राइस क्या, ये होता है इस तरीके से, दिस इज प्राइस, राइट, सिंबल होता है प्राइस का इस तरीके का, और ये क्या है, ये आपका होता है फॉर्मूला। नाउ अगर आप देखोगे ऑब्जर्व वैल्यू भी है, ऑब्जर्व वैल्यू कहा है हमारे पास, ये सारी जो आपकी क्वेश्चन दी रखी है ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है ये जो अभी हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें इसका डिफरेंस चाहिए, तो मैं ऑब्जर्व वैल्यू नोट आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ, ओ दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू, ई दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट मैं कॉलम बना देता हूँ ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड माइनस का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट हम बना लेंगे ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर 10 15 5, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा सेम 10 15 5 10 5 6, राइट, ये हमारी क्या है ऑब्जर्व वैल्यू है, सेम इसी तरीके से मैं क्या कर लेगा उसी सीक्वेंस या फिर हम नोट डाउन कर लेते।
तो 10, 15, 5, 10, 5 एंड 6। इन्हीं के सामने हम क्या लिख देते हैं, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि हमने क्या निकाल रखी है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल में निकाल रखी है, यानी कि सबकी क्या आ रही है हमारे पास 10। तो यहाँ पर मैं सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या लिख लेता हूँ 10। नेक्स्ट कॉलम क्या था, ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 10 5, 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 5 माइनस 10 माइनस 5, 15 माइनस 10 दैट इज 12। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, दैट इज 0, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25 0, 5 स्क्वायर 25 एंड 5 स्क्वायर इज 12। अब ये जो टर्म आ रही है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हमें डिवाइडेड किससे कर देना है, इन्हीं की एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0, 25 डिवाइडेड बाय 10, 25 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.5, सेम 25 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2.5, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 25 डिवाइडेड बाय 10 2.5 एंड अगेन 25 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 2.5। अगर आप देखोगे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनका समेशन कर लेना है, यानी कि ये सारी चीजों को हमें क्या कर लेना है, 2.5 और 2.5 5, 2.5 और 2.5 5, यानी कि 5 प्लस 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, राइट। 2.5 प्लस 2.5 इज 5 एंड दिस ऑल्सो, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 10। तो काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर की वैल्यू जो, यानी कि जो फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि जो काई स्क्वायर है इसका आंसर कितना आ रहा है 10। आई होप आप इसी तरीके से करके आओगे, लेकिन इसके बाद भी मैंने आपको बता रखा है 6 मार्क्स आपको मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ताकि हमारे मार्क्स ना कटे वी हैव टू राइट द स्टेप्स। तो अराउंड 4 टू 5 अगर आप स्टेप्स लिख के आए हैं दैट मींस आपके मार्क्स सही नहीं रहे। ओके, तो ये था आपका काई स्क्वायर, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, बिना भूल ना जाए सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह की वीडियो हम आपको और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लविंग योरसेल्फ एंड ईच अदर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।